तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि अध्यादेशों को लेकर बीजेपी में पड़ गई खुद फूट। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। अपनी सरकार के खिलाफ ही कर रही हैं किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन, कहा बीजेपी ला रही है किसानों के लिए काले कानून, मैं नहीं करूंगी इसका समर्थन। तो जबरदस्त विरोध बीजेपी का खुद अपनी ही पार्टी में होने लगा है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मॉडल ने लगाया रेप का आरोप, कहा 1947 में जबरदस्ती पकड़ कर किया था ट्रंप ने केस, मुश्किलें बढ़ गई हैं ट्रंप की। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि लव जिहाद और यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और सुदर्शन न्यूज चैनल को लगाई फटकार, कहा किसी एक समुदाय को नहीं बनाने देंगे निशाना, अगर आपको सो ही बनाना है तो सभी धर्मों के लोगों पर बनाए, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही क्यों। तो जबरदस्त फटकार बीजेपी को और सुदर्शन न्यूज को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में केजरीवाल की खुल गई पोल, दिल्ली हिंसा में बर्बाद हुए 3200 परिवारों ने केजरीवाल से मांगा मुआवजा, तो 3 लाख के मुआवजे की जगह सिर्फ दिए गए 750 रुपये। मुस्लिम समुदाय के लोग बोले कि ये कर रही है बीजेपी आरएसएस की दलाली, नहीं है अच्छी सरकार। तो जबरदस्त हमला बोल दिया है केजरीवाल सरकार पर। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि किसान बिलों के मायावती ने किया विरोध, का बीएसपी नहीं है इस बिल से सहमत, बीजेपी का करेगी पूरे देश में विरोध। वहीं कृषि विधायक बिलों के विरोध में 25 को पूरा पंजाब बंद, 24 से 26 तक रेल जाम का किसानों ने कर दिया है ऐलान, कहा है बीजेपी सरकार को देश से उकाड़ कर ही फेंकेंगे, ये कर रही है किसानों के साथ तानाशाही। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि कंगना रनावत की खुली पोल, तो कंगना रनावत ने टीवी के पत्रकार को ही दे दी धमकी, कहा फेक न्यूज फैलाओगे तो भेजवा दूंगी जेल। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि विधायक के विरोध में उतरे तेजस्वी यादव, कहा बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों के एक एक कर बताएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी योगी पर हमला बोला है, कहा अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो संविदा व्यवस्था जो योगी सरकार लेकर आई है नौकरी के लिए उसको खत्म कर देगी। वहीं राहुल गांधी ने भी हमला बोला है, राहुल गांधी ने कहा है कि किसान विधायक को लेकर कि किसानों के लिए काला कानून मोदी सरकार लेकर आ रही। तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो कृषि अध्यादेशों को लेकर बीजेपी में पड़ी जबरदस्त फूट। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया अपने पद से इस्तीफा, बुरी तरह घिर गई बीजेपी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि केंद्र की मोदी सरकार से सदन में प्रस्तावित कृषि अध्यादेशों को लेकर अब बीजेपी में फूट पड़ गई है। पंजाब हरियाणा में इन अध्यादेशों को लेकर किसान जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए जो बिल लेकर आई है वह बिल बहुत ही गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। तो जबरदस्त विरोध बीजेपी में हो गया है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, कहा मैं किसान की बेटी हूँ और किसानों के लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। जिसके बाद कांग्रेस ने उनका समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमला भी बोल दिया और कहा कि मोदी सरकार तानाशाही किसानों पर कर रही। तो जबरदस्त फूट पड़ गई है किसानों के बिल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मॉडल ने लगाया रेप का आरोप, वहीं चुनाव में पूरी तरह हार सकते हैं ट्रंप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक पूर्व अमेरिकी मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है। अमेरिकी मॉडल ने आरोप लगाया है कि 23 साल पहले ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दौरान ट्रंप ने उनके साथ जबरदस्ती की थी और वीआईपी बॉक्स में उन्हें जबरदस्ती पकड़कर किस किया था, जिसके बाद उनके साथ ट्रंप ने जबरदस्ती की थी। इसी के बाद आपको बता दें कि अब ट्रंप ने भी इन सभी दावों को खारिज
खारिज करते हुए कहा है कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने ट्रंप को नोटिस भी दे दिया कि इसका जो है सफाई दें इस पे, क्या वास्तव में ये बात सच है। वहीं आपको बता दें कि अगर ये सच होता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और पूरी तरह से ट्रंप को जेल हो सकती है। तो बड़ी अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मॉडल ने रेप का आरोप लगा दिया है। इसी बीच बट दोस्त अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिहादी यूपीएससी कार्यक्रम पर सुनवाई करते हुए सुदर्शन न्यूज को लगाई फटकार। कहा आप किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, अगर आपको सो ही बनाना है तो सभी धर्मों के और सभी जातियों के ऊपर बनाए, मुस्लिम समुदाय को नहीं बनाने देंगे आपको निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कार्यक्रम को लेकर सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान इस पर कोर्ट ने कहा कि आप किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते। वहीं 15 सितंबर को उच्च न्यायालय ने मुसलमानों के सिविल सेवा में चुने जाने को लेकर दिखाए जा रहे कार्यक्रम पर सख्त एतराज जताते हुए बचे हुए एपिसोड दिखाने पर सुदर्शन न्यूज चैनल के रोक लगा दी थी। वहीं मोदी सरकार ने इसे चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीएससी जिहाद ऐसे कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए देश में चलाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सुदर्शन न्यूज चैनल पर रोक लगाते हुए कहा है कि हम किसी एक समुदाय को निशाना नहीं बनने देंगे, चाहे मोदी सरकार इसकी इजाजत दे न दे, लेकिन कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। तो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी लगाई है और सुदर्शन न्यूज चैनल को भी। इसी बीच बट दोस्त अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर केजरीवाल की खुली पोल। दिल्ली हिंसा में बर्बाद हुए 3200 परिवारों ने मांगा मुआवजा तो दिया गया सिर्फ ₹750 का मुआवजा। जहां दोस्तों आप बता दिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि CAA और NRC के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान दुकानें तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद दिल्ली हिंसा को लेकर केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया था कि सभी परिवारों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लगभग आज से 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली हिंसा को लेकर ₹1 भी केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली का एक मुस्लिम परिवार है जिसका रेस्टोरेंट बुरी तरह से लूट लिया गया था और उसने ₹3 लाख केजरीवाल सरकार से मांगे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से ₹3 लाख के मुआवजे में ₹750 ही उस परिवार को दिए हैं। तो किस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार की पोल खुली है कि सिर्फ नाम के लिए ऐलान किया था केजरीवाल ने और ₹1 भी किसी मुस्लिम परिवार को दिल्ली हिंसा में अभी तक नहीं दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकलकर दिल्ली हिंसा को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के किसान बिलों का मायावती ने किया विरोध। कहा BSP कतई भी सहमत नहीं। वहीं कृषि विधायकों के विरोध में 25 को पंजाब बंद, 24 से 26 तक रेल करेंगे जो है किसान जाम। कांग्रेस विधायक ने भी दे दिया इसको लेकर इस्तीफा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसान बिलों को मंजूरी दी, जिसके बाद अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने BJP के किसान बिलों का विरोध किया है और कहा कि BSP इससे कतई सहमत नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब पंजाब में भी जबरदस्त BJP का विरोध होना शुरू हो गया है और पंजाब के किसानों ने ऐलान कर दिया है कि पूरा पंजाब 25 को बंद रहेगा, 24 से 26 तक रेल को किसान जाम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। तो जबरदस्त विरोध BJP के किसान बिलों का अब हरियाणा समेत पंजाब में देखने को मिल रहा। तो पंजाब में किस तरह से BJP की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और BJP को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने ऐलान कर दिया कि 25 को पूरा पंजाब बंद रहेगा और मोदी सरकार के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो मायावती ने भी अपना समर्थन आज कांग्रेस को दे दिया है और BJP के खिलाफ हल्ला भी बोल दिया। ये जबरदस्त खबर BJP के लिए सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बट दोस्त अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आती है सत्ता में तो बदल देगी योगी की संविदा रोजगार व्यवस्था। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश के युवा बेरोजगारों को भरोसा दिया है कि कांग्रेस की सरकार
अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो संविदा के तहत 5 साल के लिए दिए जाने वाली नौकरी की व्यवस्था को उनकी सरकार समाप्त कर देगी, जो अभी हाल ही में योगी सरकार ने ऐलान किया था। वहीं आपको बताएं, आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसके तहत रोजगार पाने वाले सम्मान के साथ रोजगार प्राप्त कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार देश में रोजगार तो दे ही नहीं रही है और अब देने का वादा भी कर रही है, तो 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी दे रही है और उसके बाद अगर कोई अच्छा काम करेगा तब उसे ऑल टाइम के लिए रखा जाएगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। तो इस नीति को प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको ख़त्म कर देंगे और जैसे पहले नौकरी मिलती थी उत्तर प्रदेश में वैसे ही नौकरी मिलेंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो बिहार में कृषि विधायक के बीजेपी के विरोध में उतरी तेजस्वी सेना, बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने दिया है नया नारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान उपज व्यवहार एवं बाजीडीए विधेयक 2020 को किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक के विवादों को लेकर अब एक बार फिर से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। अध्यादेश वापस लेने की मांग तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दी है और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ने ये किसानों के खिलाफ अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो नौजवानों के बाद किसान और नौजवान मिलकर इस बीजेपी की सरकार को देश से उखाड़ फेंकेंगे। तो बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने। वहीं आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार की भी नीति सामने आई है। बिहार में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल किशनगंज में बह गया है। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी में किस तरह से भ्रष्टाचार बिहार में हो रहा है, इसका एक नया मामला और निकल कर सामने आया है कि बिहार में किशनगंज से खबर आ रही है कि निर्माणाधीन पुल जो है उद्घाटन से पहले ही बह गया है। इस पुल में 1,42,00,000 की लागत लगी थी और इस पुल का अभी बीजेपी के मंत्री और जेडीयू नीतीश के मंत्रियों ने स्वागत भी नहीं किया, उद्घाटन भी नहीं किया, उससे पहले ही ये पुल टूट के गिर गया है और पानी में बह गया। तो किस तरह से भ्रष्टाचार बीजेपी में हो। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत के फेक न्यूज का भास्कर ने किया खुलासा। तो कंगना रनावत ने पत्रकार को दे डाली खुली धमकी, कहा भेजूंगी तुझे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस से टकराते अब कंगना रनावत मीडिया से भी टकराने लगी हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना रनावत ने एक ट्वीट में दावा किया था कि उन्हें मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा था। हालांकि जब आज तक के पत्रकार कमलेश तुसार ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जिस विधानसभा सीट से वोटिंग की थी वहां से शिवसेना का कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ था, तो कंगना रनावत भड़क गई है और कंगना रनावत ने तुषार को खुली धमकी देते हुए कहा है कि आप गलत हैं, गलत जानकारी मत फैलाइए, मैं आपके खिलाफ लीगल नोटिस भेजूंगी और आपको जेल में डालूंगी। और कंगना रनावत ने धमकी दी है कि आपको जेल जाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब भास्कर ने इसका खुलासा किया और आज तक ने इसका खुलासा किया तो किस तरह से कंगना रनावत भड़क गई और अब पत्रकारों को ही धमकी देने लगी है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पूर्ण रूप से कंगना रनावत का प्रोपगेंडा अपने चैनल पर चला रहा है और आज तक और भास्कर टीवी ने जिस तरह से कंगना रनावत का खुलासा किया उसके बाद कंगना भड़क गई है और धमकी दे दी है। पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहां पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा